ठीक है यार, है तैयार और ठीक तैयार। शुरू से जब आप अपनी गेंदबाजी को पुख्ता करने के लिए पूरी तरह से जान लगाते तो फिर आपको रिजल्ट मिलता है। ऑप्शन में मिचेल स्टार्क को लेके आए, बहुत महंगे खरीदा लेकिन जानते थे कि वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और जैसे ही प्लेऑफ्स का वक्त आया वैल्यू ऐड किया, और फाइनल में भी वो जो बॉल था अभिषेक शर्मा को जो बोल्ड किया, भाई साहब मैजिकल डिलीवरी। मिचेल स्टार्क का जो स्पेल था वो पूरा मैच डिसाइडिंग था। जिस तरह से उन्होंने अभिषेक शर्मा को बोल्ड मारा वो काबिले तारीफ था, और यहीं से केकेआर पूरी तरह से हावी हो गई। यही चीज इरफान पठान कहते हुए नजर आए कि केकेआर स्टार्टिंग से ही तैयार थी। जिस हिसाब से इन्होंने पूरा टूर्नामेंट खेला, कहीं भी नहीं लगा कि केकेआर जो है बहुत ही कमजोर टीम है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने फाइनल में खेला, एक तरफा मैच उनके बॉलरों ने यहाँ जिता दिया। फाइनल जीतने के बाद आप गौतम गंभीर का सेलिब्रेशन देख सकते हैं, क्योंकि केकेआर दो बार जीती थी, वो भी गौतम गंभीर के कप्तानी में। इसीलिए शाहरुख खान ने यहाँ गौतम गंभीर को एज अ कोच चुना, और रिजल्ट आप देख सकते हैं कि केकेआर फिर से आईपीएल जीत गई। यहाँ श्रेयस अय्यर की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने पूरे सीजन कप्तानी करी वो काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, श्रेयस अय्यर की कप्तानी के लिए आप 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे कॉमेंट करके जरूर बताएं।